अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था सनम जंग की छोटी बहन आमना जंग की शादी के हवाले से, और उसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपने जो तनकीद की है वो गलत की है, उनकी ड्रेसिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट करती चलूँ कि सनम जंग की ड्रेसिंग के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि बहुत सुलझी हुई ड्रेसिंग उसमें उन्होंने की थी। मैंने एतराज़ उठाया था कि आजकल जो दूल्हा और दुल्हन फ्लोर के ऊपर डांस करते हैं और फैमिली के ही बंदे वहाँ पर देख रहे होते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ज़रा अच्छा इसलिए नहीं पड़ता कि लोग हम जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको आइडलाइज़ कर रहे होते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी इसी तरह करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने एक एतराज़ उठाया था जिस पर मैंने अपनी ज़ाती राय का इजहार करते हुए ये कहा था कि दुल्हन को ये जेब नहीं देता कि वो मेहंदी के जोड़े में जब बैठी है स्टेज के ऊपर तो वो पेट नंगा करके बैठी हुई है। मुझे ये चीज़ बहुत ऑड लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ लिखा कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, तो फिर शायद मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई पुरानी सदी की रूह रहती है, शायद इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अच्छा जी, अब मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उनकी शादी की वो रिलीज़ कर दी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। शादी का जोड़ा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अच्छा था, अगरचे इसमें दुल्हा के डांस की फिर से वीडियोस आई हैं और ये सब चीज़ें आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये जो इनकी यादगार शादी इनके घर में हुई है, क्योंकि आजकल पेंडेमिक है तो उस सिलसिले में लॉकडाउन में लोग इतनी बड़े फंक्शंस अरेंज नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये क्लिप्स जो हैं चंक्स आप लोग देखें और महसूस हों। हैव अ लुक। जी, तो आप लोगों ने देखे क्लिप्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।